चलिए फ्रेंड, सबसे पहले शिव बाबा के लिए यहाँ प्रसाद बना ली। तो सबसे पहले अपन किशन की तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी सोमवारी, सोमवारी का ढेर सारा शुभकामना फ्रेंड्स। तो आज सावन का दूसरा सोमवारी है, तो मैं निहार धोकर सबसे पहले भगवान का पूजा कर ली। पूजा करने का देखिए मैं सारा सामान फुलदानी में लेकर कहाँ चलती हूँ, मैं शिव मंदिर आ गई। तो सबसे पहले ये कुआँ जो जलाशय है, तो इसमें से ना हम लोग इसी तरह बाल्टी से पानी निकालते हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ से जल निकाल करके ना सभी आदमी पहले अपना हाथ पाँव को लेते कहे कि ना सभी लोग बाहर से गए रहते, तो पहले हाथ पाँव धोने के बाद फिर शुद्धता के साथ हम लोग दूसरा जल निकालते हैं। हमसे बड़ी चाची जी है, तो सबसे पहले मैं चाची जी का पाँव धो दी, उसके बाद मैं अपना पाँव धो ली, उसके बाद फिर हाथ धो करके फिर मैं दूसरा जल निकाल रही हूँ। तो देख सकते हैं ना कुआं में पानी एकदम अंदर है, क्या है कि इस बार बारिश हम लोग को उतना नहीं हुआ है। यहाँ पर ना रस्सी थोड़ा बड़ा ही है, तब हम लोग इसी तरह से पानी निकाल लिए। तो अब पानी निकालने के बाद चलिए अब करने सभी आदमी पूजा के लिए लोटा में ले लेते हैं। तो हम लोग अपना लोटा में भी ले लिए और दूसरा आदमी को भी लोटा में मैं यहाँ पर जल भर दी। तो यहाँ पर ना हम लोग फूल माला ना रास्ता में ही ले लिए थे, तो उसका वीडियो मैं नहीं बनाई हूँ। तो चलिए जब थोड़ा सा खुदे पर भी सिकित कर लिए, उसके बाद फूलदानी में अपना अपना लोटा रख करके अब चलिए आप लोग को ले चलते कि दिखाते हैं कितना बड़ा लाइन लगा है। सो चलिए आपको दिखाते हैं। तो आपको मैं बता दूँ 8 बजे मॉर्निंग में ही इतना भीड़ है मंदिर में। पिछले सोमवार को भी मैं यहीं आई थी कपिलेश्वर, तो उतना भीड़ नहीं था जितना भीड़ आज है। तो मंदिर का जितना एरिया बाहर से परिक्रमा कीजिएगा उतना 4-5 लाइन लगा हुआ था। तो 3 राउंड मैं भी घूमी थी लाइन में, मेरे साथ ना 2 फ्रेंड भी मिल गई। तो हम लोग अंदर आ गए तब वीडियो बना रहे, क्या कि बाहर में तो वीडियो भी नहीं बना सकते। यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के साथ वीडियो बना रही थी, तो मेरे पीछे एक ठो महिला थी जो हंस रही है। तो ये बोलती आंटी आपका वीडियो तो मैं देखती हूँ, आपका यूट्यूब चैनल है ना। हम कहे हाँ, लेकिन लाइए आपका भी वीडियो बना लेते हैं। तो कहें आंटी हम कमेंट करेंगे जा करके। तो लाइन में भी ना बहुत गर्मी लग रहा था, तो हम तीनों आदमी जहाँ पर पंखा है ना लाइन से पहले आकर वहाँ पर रुक गए। तो चलिए अब दर्शन करने के लिए गेट पर आ गए, तब अंदर तो मोबाइल बहुत कम यूज करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे दर्शन करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा तो वीडियो बना ही लेती हूँ आप लोग के लिए। हर हर महादेव। चलिए शिवालय के अंदर हम आ गए, तो यहाँ शिव बाबा को देखिए सभी आदमी जल चढ़ा रहे हैं, तो मैं भी यहाँ पर जल चढ़ा लिया। आप लोग भी दर्शन कीजिए, उसके बाद देखिए मंदिर से निकल रहे हैं। भीतर बहुत गर्मी था, बहुत भीड़ था, तो जल्दी जल्दी हम लोग मंदिर से निकल गए। उसके बाद चलिए जितने भी बाहर का मंदिर है ना सभी में दर्शन कर लेते हैं पहले। तो लीजिए यहाँ पर आप लोग दर्शन कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कम भीड़ था। ये भी शिव पार्वती जी का मंदिर था, तो मैं यहाँ पर भी दर्शन कर ली। तो सारे मंदिर में दर्शन हो गया, अब चलिए लास्ट में ना नंदी जी से दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर बसा महादेव को भी फूल पान जितना था सारे में चढ़ा दी, जल भी यहाँ पर चढ़ा दी। तो यहाँ का जो बसा महादेव जी है नंदी जी से बहुत बड़े और उनको हाइट पर बैठाया गया है, तो सभी बच्चा लोग को तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, हमको भी दिक्कत होता है। सभी लोग अपना बच्चा को गोदी में लेकर नंदन जी का दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा भीड़ हो गया था, कहे कि सभी लोग बसा महादेव के कान में कुछ बोलते हैं, तो मैं भी बोलने के लिए थोड़ा देर वेट की। क्योंकि इधर कहावत है कि बसा महादेव के कान में जो चीज़ जो बोलते हैं ना सो भोला बाबा के पास जाकर बसा जी पहुँचाते हैं और भोला बाबा वो मन्नत पूरा करते हैं। तो यही प्रचलन है हम लोग के इधर, आप लोग के तरफ ऐसा प्रचलन है कि नहीं सबको कमेंट कीजिएगा। तो सारे जगह का पूजा पाठ सब संपन्न हो गया, बसा जी का भी पूजा संपन्न हो गया। तब हम यहाँ पर दीप और अगरबत्ती जो है ना लास्ट में हम लोग यहीं पर दिखाते हैं। वैसे तो सभी लोग ले लेकर घूमते हैं ना, लेकिन हम लोग लास्ट में यहीं पर दीप अगरबत्ती दिखाते हैं, यहीं से सारे भगवान को दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं घी का दीपक जला ली, अब चलिए सबसे पहले ना शिव बाबा को मैं यहीं से आरती दिखा देती हूँ। कहे कि ना अंदर में दीप वगैरह जलाने का अलाउ नहीं है, तो यहीं से मैं सारे भगवान को दीप दिखा दी परिक्रमा करके। तो मेरा पूजा पाठ संपन्न हो गया था, अब मैं थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ कि देखिए कितना बड़ा लाइन है। एक साइड से इतना है, जबकि चारों तरफ मंदिर का इतना ही भीड़ है, चार लाइन चारों तरफ है। तो देखिए यहाँ पर हरियाली भी कितना है, बेलपत्र का, पीपल का पेड़ वगैरह भी बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर। तो हम जब भी ना कपिलेश्वर में ही सोम को आ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग ना मंदिर से फिर निकल रहे हैं, कहे कि पूजा पाठ हो गया, हम लोग निकलेंगे तब तो भीड़ खत्म होगा ना। तो ऐसा ही भीड़ लगा ही मंदिर के बाहर में, देखिए भीतर भी उतना भीड़ था और बाहर में ना लोग सामान लेते हैं, चूड़ी लहठी सिंदूर बिंदी, उसके बाद मुढ़ी कचरी बड़ी। यहाँ पर चाची जी भी बड़ी कचरी झिल्ली ले ली, तो मैं बोली नहीं लीजिए ना चाची जी यहाँ का। तो चाची जी बोलते हैं बच्चा लोग बोला है कि लेकर आने के लिए, नहीं ले जाएंगे तो गुस्सा आएगा, बच्चा लोग ले लेते थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर बहुत नाश्ता का स्टॉल लगा था, भूजा पानी पूरी मोमो चाउचाउ चाउमीन, ना इसमें ला कर प्रसिद्ध मेन जिलेबी, बच्चा लोग का खेलने वाला झुलवा वगैरह भी था। इसके बाद मैं घर आ गई, बाप रे इतना गर्मी लगा था कि मैं थोड़ा देर रेस्ट की। उसके बाद ना शाम में देखिए शिव बाबा के लिए मैं यहाँ पर साबूदाना का खीर बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ना मैं दूध खोलने के लिए रख दी, उसके बाद साबूदाना को ना यहाँ 4-5 पानी से अच्छा से धो लेती हूँ। यहाँ पर मैं साबूदाना धो रही थी तब तक मेरा दूध जल्दी से खोल गया, जब तक मैं साबूदाना डाली डाली तब तक थोड़ा सा दूध भी गिर गया।
तो इसलिए मेरा कैमरा यहाँ पर ऑफ हो गया। थोड़ा सा बचा हुआ साबुदाना था सो भी मैं रख दी। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा बर्तन छोटा हो गया था, इसके कारण भी दूध खोल गया, गिर गया। तो जब दूध में मैं साबुदाना डाली तो पूरा दूध से टुपिया भर गया, तो मैं थोड़ा सा दूध पहले यहाँ पर निकाल लेती हूँ। को पहले ही डाउट लगता था कि साबुदाना डालने के बाद ना दूध भर जाएगा, फिर भी मैं सोची कि चलिए लो टू मीडियम गैस पर पका लूंगी, कहीं नहीं गिरेगा दूध। लेकिन यहाँ पर मेरा होशियारी काम नहीं लगा, हमको यहाँ पर दूध निकालना ही पड़ा। तो चलिए यहाँ पर ना खीर को चलाते हुए खीर बना लेते हैं। पहले साबुदाना को खीर को ना कंटिन्यू चलाना पड़ता है, ज़्यादा देर छोड़ना नहीं पड़ता है, नहीं तो नीचे ना पिंदी में पकड़ लेता है। यहाँ पर मैं बीच बीच में खीर को चलाते हुए यहाँ पका ली, एक दो मिनट छोड़ती थी, उसके बाद फिर चलाती थी। यहाँ पर मेरा खीर 60-70% जितना पक गया है, तो अब यहाँ पर आवश्यकता अनुसार चीनी को मैं ऐड कर दी। तो चलिए चीनी डालकर भी एक दो मिनट पका लेते हैं। तो अब जो बचा हुआ है, जो ये दूध है जो पहले मैं निकाली थी, इस दूध को भी अब इस खीर में ऐड कर दी। तो देखिए जब मैं यहाँ पर दूध डाली ना, तो खीर का टेम्परेचर एकदम कम गया। तो देखिए दो मिनट जितना और मैं गैस पर छोड़ देती हूँ, जब एक उफान आ जाएगा, दो मिनट खोलेगा, उसके बाद मैं यहाँ पर गैस बंद कर दूँगी। तो लीजिए मेरा खीर पक चुका है, अब मैं इसको ठंडाने के लिए थोड़ा देर छोड़ देती हूँ। तो चलिए खीर जब ठंडा हो गया है, तो अब मैं अब यहाँ पर भगवान के लिए प्रसाद लगा लेती हूँ। तो लीजिए शिव बाबा के लिए मैं प्रसाद लगा ली। तो चलिए भगवान को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद संध्या आरती भी कर लेती हूँ, क्या कि टाइम भी 6 बज गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर दीपक को जला लेती हूँ, उसके बाद चलिए पूजा कर लेते हैं सबसे पहले शिव बाबा को। मंदिर में ना सलाई भींग गया था, जल्दी नहीं जल रहा था, लेकिन जल गया। तो लीजिए सबसे पहले शिव बाबा को यहाँ पर आरती दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ भगवान को मैं संध्या आरती कर ली, उसके बाद चलिए ना, हम लोग का ना संध्या का आरती का मतलब होता है कि साँझ देना। तो हर घर में अभी साँझ दे देते हैं सारे भगवान को, साँझ दिखा करके। तो बाहर में फिर तुलसी माता है, तो वहाँ पर साँझ दिखा करके वहीं पर एक दीप रख देती हूँ। तो तुलसी जी को साँझ देने के बाद फिर पुनः भगवान मंदिर में वापस आ गए। जो यहाँ पर मैं प्रसाद भगवान को भोग लगाई थी, अब मैं उसको उछरंग देती हूँ, उसके बाद ये प्रसाद लेकर के चलिए आप लोगों को भी ग्रहण करवा लीजिए। सोमवारी स्पेशल प्रसाद खीर हो गया, आम हो गया, अंगूर हो गया, सेब है, अमरूद है और मिठाई लड्डू है। तो देखिए मैं फलहार बनाई थी, परी की मम्मी मेरे लिए क्या लेकर आई, परी लेकर आई मेरे लिए, आप लोग के लिए आइए खाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम मैं तो अपना पूजा पाठ की फलहार जो बनाई थी से बनाई थी, आज परी की मम्मी देखिए परी नीचे से लेकर आई है आप लोग के लिए, पेड़ा अमरूद इसको क्या बोलते हैं नाशपाती और एक कटहल का कुआ, परी के ना अपने बगान का है कटहल का कुआ। आ जाइए आप लोग भी, आ जाइए आप लोग जो पसंद है सो खाइए, इतना फल फूल में आप लोग को क्या क्या चाहिए सो खा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको नहीं करते हैं कमेंट इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैं आजकल वीडियो में नहीं आ गया, आप कमेंट ही नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। प्लीज़ एक थोक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों आप भी आइए फलहार खाइए, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। हर हर महादेव, हैप्पी श्रावण, हैप्पी सोमवार दोस्तों, आप अच्छे से श्रावण सोमवार अपनी बारी आप सबके लिए होगी, ढेर सारा खुशी लेकर आए। हैप्पी सोमवार दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी श्रावण, हैप्पी सोमवार, बाय बाय दोस्तों। मेरा सोमवार स्पेशल फलहार का वीडियो कैसा लगा? मेरा वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैव अ गुड डे, बाय बाय, हैप्पी सोमवार, हैप्पी श्रावण। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग आइए, किन किन को व्रत है सो आ जाइए अपन किचन में फलहार करने के लिए। तो चलिए अब मैं तो खाती हूँ, परी और हम दोनों आदमी साथ में अब खाएंगे।